morning viewers, welcome back to my YouTube channel. Wish you all a very prosperous, wealthier, happiest Ganesh Chaturthi. आज है गणेश चतुर्थी. वेलकम टू अ फ्रेश न्यू व्लॉग. और इस साल गणपति बप्पा की कृपा से हम लोग कितने अच्छी तरह से बहुत सारे लोगों के गैदरिंग के साथ घर में होम यज्ञ प्लस गणेश चतुर्थी की सेलिब्रेशन कर रहे हैं. देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए मेरे परिवार वालों. माय डियर यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, वेलकम टू रजनीता गैलेक्सी. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. और बहुत गर्मी में मैं बना रही हूँ भोग. आज है शुभ गणेश चतुर्थी. गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया. और गणपति बप्पा के दिन भी हमारे घर में काफ़ी सारी गैदरिंग होगी. बहुत सारे लोग आएंगे, गेस्ट आएंगे और उनको हम लोग खिलाएंगे और डिनर करवा के ही घर भेजेंगे. और हम लोग क्या करते हैं ना, भोग सारा आपके घर में ही बनाते हैं. आप लोगों ने देखा है पहले भी. तो हर साल सुमन जी जैसे जन्माष्टमी में पूड़ियाँ सुमन जी बनाए थे, लेकिन इस साल सुबह सुबह सुमन जी का एक बिजनेस का काम आया है. जॉब में वो गए नहीं हैं, छुट्टी लिए हैं, बिजनेस का काम आया है. और हम लोग जो गणपति बप्पा की आराधना करते हैं, धनलक्ष्मी की आराधना करते हैं, मेरे लड्डू गोपाल हमारे घर के सदस्य हैं उनकी आराधना करते हैं, अल्टीमेटली गुड लक फॉर्च्यून और वेल्थ के लिए ही करते हैं. और जब गणपति बप्पा के दिन उनका काम आया है बिजनेस का, तो मैंने मना नहीं किया. मैंने कहा आप जाइए, मैं अकेले ही संभाल लूँगी. और मैं अभी बना रही हूँ भोग और दूर में आ गई हूँ, क्योंकि भोग के सामने बातें नहीं करनी चाहिए. आपके मुँह से अगर एक भी सूप का छीटा निकला तो पूरा भोग बर्बाद हो जाएगा. भोग बनाने के टाइम ऐसे रुमाल से मुँह को बंद किया जाता है. मैं बंद नहीं करती हूँ, बहुत गर्मी लगती है, इसलिए मैं बिना बात किए सूचा बना लेती हूँ. तो अभी बन रहा है धोखा डालना, आइए देखते हैं. गाइज ये रहा धोखा डालना, जो कि ऑलमोस्ट बन चुका है और थोड़ा सा बनेगा. तो मैंने चने के दाल को कल रात में भिगो के रखा था. और जो प्रोसेस है धोखा डालना का, बंगाली लोग जानते होंगे अच्छे से. तो उसको भिगो के थोड़ा सा नरम करके उसके बाद हल्का सा सेंधा नमक, हल्की सी शक्कर, थोड़ा सा ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च डाल करके पीसना है. ग्राइंडर में या फिर सिलबट्टे में पीस सकते हो. पीस के उसको सूखे कड़े में ऐसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है. और फिर उसके पीसेस बना के इन टुकड़ों को डीप फ्राई करना है इन टुकड़ों को. उसके बाद आलू डालकर इसकी सब्जी बनाई जाती है. और ये भोग की सब्जी है, इसमें ना प्याज ना लहसुन ना अदरक कुछ नहीं पड़ेगा. बिना प्याज लहसुन वाला भोग की सब्जी है. और गाइस मुझे अभी खिचड़ी बनानी है, गहनी भजा भी बनानी है. तो सारा काम कंप्लीट करके मैं आपसे मिलती हूँ. और सुबह से मैंने क्या क्या किया है, सबसे बड़ा वाला काम आइए मैं शेयर कर. ये देख रहे हैं इतने बड़े बड़े बर्तन, सारे सुबह सुबह माँज के साफ करना पड़ता. और भी है, हांडी है, प्रेशर कुकर है, कड़ा है बड़ा सा, सारी थालियाँ है. सब इसको धो कर मैंने साफ करके यहाँ सुखाने के लिए रख दिया है. पूरा फुल सनलाइट है ऊपर, आसमान के नीचे ये आराम से सूख जाएंगे. मानो से मुखे देखो ठीक नहीं. हेलो गाइस, तो अभी शाम हो गई है और सुमन जी ने खिचड़ी में हाथ लगाया था. हाफ खिचड़ी मैंने बनाया था, उसके बाद सुमन जी ने बनाया था. और पूरा कंप्लीट हो गया हम लोग का सब कुछ. अब पंडित जी के आने का इंतज़ार है. और इतना काम था, इस काम के बीच में मैं लुक क्रिएट नहीं कर पाई अपना. तो ऐसे ही कैजुअल जैसे घर में रहती हूँ वैसे ही हूँ. और फिर आगे देखते हैं क्या होता है.
गाइस विश्वकर्मा पूजा की रात में हम लोग जो शॉपिंग करने गए थे गणेश चतुर्थी के दिन, तो ये धोती हम लाए हैं दान में देने के लिए पंडित जी को। तो ये इस तरह की धोती है जो कि रेडीमेड धोती मिलती है, ठीक है। तो ये पंडित जी को हमने दान में दिया है और ये हमारे गेस्ट आने शुरू हो गए हैं। तो अभी गेस्ट की सेवा हो रही है। गाइस काफ़ी सारे गेस्ट अभी खाना पीना कर रहे हैं और हमने मेन भोग में बनाया है बैंगनी भाजा यानी बैंगन की भाजी खिचड़ी।
चार तरह के दालों से बनी हुई चिप्स बनाई है। और ये बैंगनी को मतलब बिल्कुल फ्रेशली फ्राई करके ही दे रहे हैं, गर्मा गर्म सब लोग एंजॉय करेंगे। आलू की चिप्स है, मिठाई है, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो गाइस, भगवान की दया से विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी गॉड लॉर्ड गणेशा बहुत ही प्यारा सा गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट किया हमने इस साल। और ये है हमारे मेन डोर का डेकोरेशन जो कि पूरी तरह से मैंने ही किया हुआ है। और मेन डोर के सामने एक जैसे लड्डू गोपाल को झूला में रखे थे जन्माष्टमी में, वैसे ही एक गणेश भगवान जी को सामने डेकोरेशन के लिए रखे हुए हैं। और अंदर में जो गणेश भगवान है, जिनकी मूर्ति रखी है, जिनकी पूजा हो रही है, ये मेटालिक गणेश भगवान हैं। अंधेरा होने से इनके अंदर में लाइट जलता है। ये बहुत ही कॉस्टली मूर्ति है। इस मूर्ति का प्राइस है 4,500 रुपीज़। और ये मेटालिक गणेश भगवान हैं। तो ये गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑरेंज कलर का हाइबिस्कस खिला है जिसको हमने पूजा में डाला हुआ है। सो टिल देन के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, पूज्य वर्षी लवकड़िया।